चांद को लेकर कई कहानियां और शायरियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई आज तक कोई ठीक अनुमान नहीं लगा पाया है। भले ही पूरी दुनिया मानती हो कि चांद का जन्म एक बड़ी चट्टान के पृथ्वी से टकराने से हुआ, लेकिन वैज्ञानिकों का एक वर्ग इस बात से सहमत नहीं है। इसराइल के वैज्ञानिकों ने चांद की उत्पत्ति को लेकर एक नई थ्योरी दी है। अब ये थ्योरी कितनी सार्थक है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारा चांद कैसे बना जानेंगे आज के इस एपिसोड में। हाय दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीम इंडिया। चांद की उत्पत्ति हमेशा से रहस्यों से भरी रही है। वैज्ञानिक कई सालों से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। वैज्ञानिकों ने समय समय पर चांद के निर्माण को लेकर कई सिद्धांत दिए, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। चांद के जन्म को लेकर एक सिद्धांत ऐसा भी है जिसे पूरी दुनिया 42 सालों से मानती आ रही है, लेकिन अब इस थ्योरी पर कुछ वैज्ञानिकों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि चांद के जन्म को लेकर सवाल पहली बार खड़े किए गए हों। इससे पहले भी वैज्ञानिकों द्वारा दी गई थ्योरीज पर सवाल उठते रहे हैं। आइए जानेंगे ऐसी ही वो थ्योरी जो चांद की उत्पत्ति को लेकर दी गई। अभिवृद्धि सिद्धांत यानी को एक्रीशन थ्योरी। चांद की उत्पत्ति के बारे में यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी और चांद का निर्माण साथ साथ हुआ, लेकिन यह सिद्धांत फेल हो गया क्योंकि यह सिद्धांत यह नहीं बता पाया कि जब पृथ्वी और चांद एक साथ बने तो चांद पर लोह तत्व क्यों नहीं पाया जाता। यदि दोनों का निर्माण साथ साथ हुआ होता तो दोनों की संरचनाएं भी समान होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिग्रहण सिद्धांत यानी कैप्चर थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार चांद का निर्माण हमारी आकाशगंगा में ऐसी जगह हुआ जहां लोहा बहुत ही कम मात्रा में था, और फिर इसे पृथ्वी के पास कक्षा यानी ऑर्बिट में जकड़ लिया गया। लेकिन जब चंद्रमा से लाई गई चट्टानों के सैंपल से पृथ्वी के समान आइसोटोप संरचना को दिखाया तो यह अधिग्रहण सिद्धांत भी फेल हो गया। विखंडन का सिद्धांत यानी फिशन थ्योरी। यह सिद्धांत नीदरलैंड्स के ग्रोनिंजेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राव डी मेईजेर द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की सतह से करीब 2900 किलोमीटर नीचे एक नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन हुई, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी की धूल और पपड़ी अंतरिक्ष में उड़ी और इस मलबे ने इकट्ठा होकर चांद को जन्म दिया। हालांकि इस सिद्धांत को विवादित माना जाता है। एक चट्टानीय विस्फोट यानी जॉइंट इंपैक्ट हाइपोथीसिस। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे चांद का निर्माण एक बड़ी चट्टान के पृथ्वी से टकराने से हुआ। 1975 में वैज्ञानिकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी अपने से कई गुना बड़े और तेज गति वाले किसी ग्रह से टकरा गई थी, जिससे हमारी धरती का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो गया, जिसके कारण हमारे चांद की उत्पत्ति हुई। वैज्ञानिकों का कहना है कि दूसरे ग्रह के प्रभाव की वजह से पृथ्वी का कुछ भाग अलग हो गया और कई सालों बाद धीरे धीरे यह मलबा जम कर आज का चांद बन गया। हालांकि इस बात पर बहस जारी थी कि दूसरे ग्रह का आकार कितना बड़ा था और उसकी गति कितनी थी। जॉइंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस एक ऐसी थ्योरी है जो चांद की उत्पत्ति के लिए पूरे वैज्ञानिकों द्वारा मान्य है, लेकिन इसके बाद चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में एक नया शोध दुनिया के सामने आया जो जॉइंट इंपैक्ट थ्योरी को ही मॉडिफाइड किया गया था। इस शोध के अनुसार अरबों साल पहले एक मंगल ग्रह जितना बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया, जिसे ग्रीक पुराणों में थिया कहा जाता है, और इस टक्कर के बाद ही चांद का जन्म हुआ। शोधकर्ता अपने इस सिद्धांत के पीछे अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों के जरिए चांद से लाए गए चट्टानों के टुकड़ों का हवाला दे रहे हैं।
इन चट्टानी टुकड़ों पर थिया नाम के ग्रह की कुछ निशानियां दिखती हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि उनकी खोज पुख्ता करती है कि चंद्रमा की उत्पत्ति टक्कर के बाद हुए भारी बदलाव का नतीजा थी। वैसे ये कोई नया सिद्धांत नहीं है, ये पहले से माना जाता रहा है कि चांद का उदय खगोलीय टक्कर के परिणाम स्वरूप हुआ था। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया था जब कुछ लोग कहने लगे थे कि ऐसी कोई टक्कर हुई ही नहीं थी, लेकिन साल 1980 के आसपास इस सिद्धांत को स्वीकृति मिली हुई है कि करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी और थिया के बीच हुई टक्कर से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि टक्कर होने के बाद थिया और धरती के टुकड़े एक दूसरे में समाहित हो गए यानी पिघल गए और उनके मिलने से चांद का जन्म हुआ। ये एक ऐसी थ्योरी है जो आसान है और कंप्यूटर सिमुलेशन से भी मेल खाती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसी ने भी थिया की मौजूदगी का प्रमाण चांद की चट्टानों में नहीं देखा है। चंद्रमा पर बेशक थिया के निशान मिले हैं, लेकिन इसकी संरचना आम तौर पर पृथ्वी जैसी ही है। डॉक्टर डेनियल हेवार्ड्स के अनुसार अब तक किसी को इस प्रकार की टक्कर के इतने दमदार सबूत नहीं मिले हैं। उनके अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच छोटे छोटे अंतर हैं, जिसे इन नमूनों में खोज निकाला है और ये इस अवधारणा को पुख्ता करता है। लेकिन वहीं इस मामले पर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन वे कहते हैं कि मौजूदा आंकड़े चांद के लाए गए महज 3 चट्टानी नमूनों के आधार पर निकाले जा रहे हैं और हमें इन चट्टानों को पूरे चंद्रमा का प्रतिनिधि मानने के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। उनके मुताबिक केवल इन सैंपल्स के आधार पर इस तथ्य को मंजूरी नहीं दी जा सकती। वहीं कुछ वैज्ञानिक अभी तक इन बातों से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि हमें नहीं पता कि चांद का निर्माण कैसे हुआ। चांद की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए हमें चांद पर जाना चाहिए और उसकी सतह के काफी नीचे की चट्टानों के सैंपल लाने चाहिए, जो अब तक अंतरिक्ष में आने वाली आंधियों और खगोलीय प्रभावों से प्रदूषित नहीं हुई हैं। एक और अनुमान के मुताबिक पृथ्वी का इकलौता उपग्रह चांद पहले लगाए गए अनुमान से करीब 14 करोड़ वर्ष अधिक पुराना है। वहीं एक नए अध्ययन के अनुसार चांद 4.5 अरब वर्ष पुराना है, यानी चांद पृथ्वी से भी पुराना है, क्योंकि हमारी पृथ्वी की उम्र करीब 3.5 अरब वर्ष ही है। इसका मतलब ये हुआ कि चांद का निर्माण हमारी पृथ्वी के जन्म से पहले ही हो गया था। वर्ष 1971 के अपोलो 14 अभियान के तहत चंद्रमा से लाए गए खनिज तत्व जिक्रोन के विश्लेषण के बाद यह बात निकलकर सामने आई है। चांद की उम्र को लेकर वैज्ञानिकों के बीच हमेशा विवाद रहा है और नए रिसर्च के अनुसार ये माना जा रहा है कि करीब 60 मिलियन साल पहले सौर मंडल के बाद चांद का निर्माण हुआ। लेकिन अभी हाल में इजराइल के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के जन्म को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिसके बाद चांद की उत्पत्ति पर बहस छिड़ गई है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हमारे चांद का निर्माण 20 छोटे चांदों से मिलकर बना है। ऐसा माना जाता है कि अरबों साल पहले जब हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई, उस दौरान कुछ छोटे ग्रह टकराए, तब जो तत्व पृथ्वी से निकले उनसे छोटे चांदों का निर्माण हुआ और फिर सदियों तक आपस में जुड़े रहने से अभी का मौजूदा चांद बना। इजराइल के वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों साल पहले पृथ्वी से कोई क्षुद्र ग्रह टकराया, जिससे पृथ्वी के तत्व उसकी कक्षा यानी ऑर्बिट में फैल गए और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, जिसके बाद एक डिस्क का गठन हुआ। पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान तत्व आपस में मिलते गए और इस प्रक्रिया के अंत में पहला चांद बना। ऐसे ही फिर कोई दूसरा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया, जिसके कारण पृथ्वी की कक्षा पर धूल चट्टान जैसे तत्व चांद के साथ घूमते रहे और फिर से डिस्क का गठन हुआ और इस प्रकार दूसरा चांद बना। दोनों चांदों ने मिलकर एक बड़े चांद का निर्माण किया और यह प्रक्रिया कई सालों तक ऐसे ही चलती रही और इस प्रकार एक बड़े चांद का निर्माण हुआ। इजराइल के वैज्ञानिकों ने मौजूदा सिद्धांत ज्वाइंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस पर भी
सवाल उठाए हैं, जो बताता है कि हमारे चांद का निर्माण थिया ग्रह के पृथ्वी के टकराने से हुआ था। अब सवाल उठता है कि फिर क्यों इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और विजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने इतनी पुरानी थ्योरी पर सवाल उठाए हैं, और इनका दावा उनसे अलग क्यों है। तो इस बात पर इजराइल के वैज्ञानिकों का कहना है कि पुराने सिद्धांत ज्वाइंट इंपैक्ट हाइपोथीसिस के मुताबिक चांद थिया से निकले हुए तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन चांद की सतह पर पृथ्वी से मिलते जुलते तत्व मिले हैं, इसलिए उनके अनुसार पुराना सिद्धांत गलत है। क्योंकि अगर चांद थिया से निकले हुए तत्वों से मिलकर बना है, तो वहां पाए जाने वाले पृथ्वी के तत्व जो कि अपोलो मिशन के तहत मिले थे, कैसे मिल सकते हैं। फिलहाल वैज्ञानिक चांद की उत्पत्ति पर दी गई नई थ्योरी की सत्यता जानने के लिए चांद से लाए गए नमूनों की दोबारा जांच कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चांद की उत्पत्ति के बारे में दी गई कौन सी थ्योरी सही हो सकती है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें, जिससे आप इस चैनल पर आने वाले आगे के वीडियोस बिना किसी समस्या के देख सकें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।